हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन जी शान तनजीम यूट्यूब चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी टर्म्स दैट वी कम अक्रॉस आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कुछ बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी टर्म्स के बारे में समझेंगे जैसे आ, हम लोग बात करते हैं कि हैजर्ड क्या होता है सेफ्टी क्या है इनवामेंट वर्क इन्वायमेंट किसको कहते हैं और एक्सीडेंट किसको कहा जाता है वट इज़ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज या वर्क रिलेटेड जो इल हेल्थ इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं क्यों कहते हैं इसका मतलब क्या होता है चूंकि क्या होता है कि बहुत बार मैंने देखा है दैट देर आर मेनी कैंडिडेट्स जिनको इनका डेफिनेशन तो याद होता है लेकिन अगर इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको प्रॉपरली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सो so, इस वीडियो का पर्पज ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आप किस तरह से इंटरव्यू में इसको आप एक्सप्लेन कर पाइएगा एंड विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स आप इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर पाइएगा सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सेशन नाउ सो so, सबसे पहले विल टॉक अबाउट व्हाट इज अ अजर्ट सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि हेजर्ट क्या होता है तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर दिया यह है एनीथिंग कोई भी चीज़ जिसके अंदर पोटेंशियल मिस होता है क्षमता क्या कर सके आपको इंजुरी आपको चोटिल कर सके आपको नुकसान पहुंचा सके घायल कर सके या फिर आपको बीमार कर सके या फिर किसी तरह का डैमेज कर सके है ना कोई भी चीज एनीथिंग विद अ पोटेंशियल टू कॉज इंजुरी इल हेल्थ इफेक्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज और हार्म इज क्लासिफाइड एज हेजर्ट इसको क्या कहते हैं हेजर्ट है, है कहते हैं इंजुरीज़ की हम बात करें तो किस तरह के इंजरीज़ की बात हो रही है जैसे कट्स uh, हो सकते हैं आपके या ब्रूजेज हो सकते हैं एम्प्यूटेशन बॉडी का कोई पार्ट कट के अलग हो सकता है फ्रैक्चर्स हड्डी वगैरह टूट सकती है ये इंजूरीज़ के एग्जाम्पल हो गए अगर हम हेल्थ इफेक्ट की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब श्वसन संबंधित बीमारियां जैसे कि एजमा कैंसर सिलिकोसिस जैसे अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर के बहुत सारे रीज़न होते हैं फॉर एग्जांपल अगर वर्कर जो है वो सिलिका डस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सीमेंट डस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अगर एस्पेस्टस इंडस्ट्रीज में वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैंसर होने के चांसेज होते हैं या फिर वर्क रिलेटेड अपर लिम डिसऑर्डर जिसको डब्ल्यू आर यू एल डी कहते हैं ये होता है जब वाइब्रेशन के एक्सपोजर में वर्कर्स होते हैं बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे ये होने के चांसेस होते हैं एन आई ए चल नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस इसका मतलब होता है कि अगर वर्कर्स 85 फाइव टेसिबल से ऊपर नॉइज में अगर लंबे टाइम तक एक्सपोज रहते हैं तो वहां पर उनको नॉइज इंड्यूस शेयरिंग लॉस होने का खतरा होता है और डैमेज की बात करें तो डैमेज टू प्रॉपर्टी डैमेज प्लान रिक्वायरमेंट मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी चीज जिससे इंजरीज हो सके इल हेल्थ इफेक्ट हो सके या फिर डैमेज हो सके उसको हम लोग हैजट कहते हैं अब होता क्या है जैसे ट्रेलिंग केबल्स देखिए यहाँ पर जो है ट्रेलिंग केबल्स या देखिए केबल निकला हुआ है ये इसमें कोई भी ट्रिप होके गिर सकता है तो अगर कोई बंदा ठोकर लेके गिरता है ट्रिप हो के गिरता है तो उसको कट्स हो सकते हैं या फिर फ्रैक्चर हो सकता है स्प्रेन मोच वगैरह आ सकती है मशीन के जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं रोटेटिंग पार्ट्स से आपको कट इंजरी हो सकती है एम्पूटेशन हो सकता है है ना या फिर आपके ब्रूजेज हो सकते हैं तो ये भी एक तरह का क्या हो गया हेजर्ट हो गया स्लिपरी सरफेस यहाँ पर भी कोई स्लिप करके गिर सकता है स्लिपरी सरफेस पे गिरने की वजह से इंजरीज हो सकती हैं सो स्लिपरी सरफेस भी हमारा क्या हुआ एक तरह का हुआ, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि ये वर्कर जो है वो कंक्रीट ब्रेकिंग का काम कर का रहा है कंक्रीट कटिंग का काम कर का का रहा है तो देखिए डस्ट का एक्सपोजर कितना ज्यादा है अगर वर्कर यहां पे एडिक्वेट प्रोटेक्टिव सिस्टम का यूज नहीं कर रहा है तो वहां पे वर्कर के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं तो इसीलिए जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में हैं इनको इनको भी हम क्या कहेंगे हेज़र्ट कहेंगे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेजर्ट कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हेज़र्ट की हम तो एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लाइक like अगर आपका हाई टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है इसकी वजह से वर्कर्स को एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है फिटीग हो सकता है वो बहुत ज़्यादा थक सकते हैं डिहाइड्रेशन हो सकता है हीट स्ट्रेस हो सकता है हीट स्ट्रोक हो सकता है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है वेरी लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वहां पर वर्कर को हाइपोथर्मिया हो सकता है कोल्ड बर्न इंजूरीज हो सकती है इसके अलावा वाइब्रेशन वाइब्रेशन के बारे में हमने बात किया वाइब्रेशन की वजह से डब्ल्यू आर यू एल डी वर्क रिलेटेड अपर अपरलिम डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें आपको नमनेस हो सकता है टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है झंझराहट उंगली में जो होती है या फिर सफेद पैचेस पड़ सकते हैं नर्व एंडिंग्स आपके डैमेज हो सकते हैं नॉइज भी आपका हैजर्ड है जिससे हमारा एनआईएचएल नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है फायर इलेक्ट्रिसिटी

सेफ्टी क्या है मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेफ्टी के डेफिनेशन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो मैंने जो पढ़ा है मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली दो तरह का डेफिनेशन मैंने देखा है एक डेफिनेशन है जो ये बताता है फ्रीडम फ्रॉम कंडीशंस दैट कैन कॉज हार्म और इंजुरी मतलब ऐसी कंडीशन से हमें आजादी मिल जाए जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है या फिर चोट लग सकती है तो प्रॉबर्बली मेरा यह मानना है कि साइट पर ऐसी कंडीशन को डेवलप कर पाना पॉसिबल नहीं है अगर आप चाहें कि आप अपने साइट को रिस्क फ्री बना सकें या हेजर्ट फ्री बना सकें दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये इम्पॉसिबल है हाँ दूसरा डेफिनेशन जो है ये डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन ज्यादा सूटेबल है और ये डेफिनेशन जो है बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी इसको रिकमेंड किया गया है ना ये क्या डेफिनेशन है अ कंडीशन वेयर रिस्क इज कंट्रोल्ड सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल एक ऐसी कंडीशन देखिएगा एक ऐसी अवस्था जहां पे आपने रिस्क को क्या किया है कंट्रोल किया है, क्या है?

यही सब कर सकते हैं इससे ज्यादा कुछ करना तो पॉसिबल है नहीं अभी भी उसके गिरने के चांस थोड़े बहुत थो 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 हैं चांसेस लेकिन जहां तक तो मुमकिन हो सके आपने वो कंट्रोल मेजर वहां पे लगा दिए तो इस कंडीशन को आप कह सकते हैं दिस कंडीशन कैन बी क्लासिफाइड एज सेफ कंडीशन इसको हम सेफ कंडीशन कहकर क्लासीफाई कर सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखिए मशीन है मशीन के अंदर देखिए यहां पर रोटेटिंग पार्ट्स लगे हुए हैं मशीन के पार्ट्स क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं इसमें अगर कोई भी वर्कर इसके कांटेक्ट में आता है तो उसको कट इंजरीज हो सकती हैं इंटेंगलमेंट हो सकता है बॉडी का पार्ट फंस सकता है तो यहां पर हमने क्या किया है अगर हैजर्ड ये रोटेटिंग पार्ट जो मशीन का ये हैजर्ड है अगर आप इसको फ्री चार्ज करना चाहेंगे तो आपको मशीन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा अब मशीन रिमूव कर देंगे तो काम कैसे होगा राइट right? तो यहां पर क्या किया गया है देखिए आपको गार्ड्स यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं मैक्सिमम क्या कर सकते हैं आप गार्ड फिक्स कर सकते हैं वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम लगा सकते हैं पीपीईस इशू कर सकते हैं मतलब आप उस कंडीशन को ऐसा बना सकते हैं जहां पर रिस्क को आपने कंट्रोल कर लिया जहां तक मुमकिन हो तो ये आपका कंडीशन क्या हो गया दिस इज योर सेफ कंडीशन यहां देखिए कॉन्क्रीट ड्राइंडिंग का काम यहाँ पे कॉन्क्रीट कटिंग का काम चल रहा है तो देखिए गौर से देखिएगा कि क्या किया गया है यहाँ पे जो रोटेटिंग पार्ट है मशीन का इसके ऊपर गार्ड इंस्टॉल किया गया है मशीन के ऊपर भी आपको गार्ड लगाया है जिसको वर्कर ने पकड़ के रखा हुआ है डस्ट एक्सपोजर यहाँ पर हो रहा है वर्कर ने देखिए यहां पर आपको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन मतलब डस्ट मास्क लगा के रखा हुआ है इसने सेफ्टी शूज पहने हुए हैं स्टील टो कैप शूज पहने हुए हैं प्रॉपर हैंड वो यूज कर रहा है मतलब जो भी मुमकिन हो सकता है वो सारे कंट्रोल मज़र यहाँ पर गए तो सेफ्टी का क्या हुआ करेक्ट डेफिनेशन हुआ अ कंडीशन रिस्क इज़ कंट्रोल्ड सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल सो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज सेफ्टी और डिफाइन सेफ्टी तो आप कह सकते हैं कि सेफ्टी इज अ कंडीशन वेयर रिस्क इज कंट्रोल्ड सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल चलिए लेट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड

अब इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकते हैं में आपकी मशीन हो सकती है आपका स्कैफोल्ड हो सकता है हवा भी आपके एनवायरमेंट का पार्ट है dust, noise, ये सारे क्या हो जाते हैं? आप याद रखिएगा करना है कि वर्कर जो काम कर रहा है उस काम को करने में उसको किस तरह के हैजर्ड्स से वो एक्सपोज है आपको ये भी देखना है कि जिस इन्वायरमेंट में जिस वातावरण में वो काम कर रहा है वहां पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे वर्कर नुकसान हो सकता जैसे है जैसे देखिए यहां पर मशीन यहां देखा हमने कि मशीन भी आपका इन्वायरमेंट का पार्ट होता है यहां देखिए मशीन इज अ पार्ट ऑफ वर्क इनवायमेंट देख पा रहे हैं आप अगर बात करें हम एयर की बात करें देखिए यहां पर यह जो वेल्डिंग एक्टिविटी हो रही है इसमें से आपका एयर से स्मोक निकल रहा है गैसेज निकल रही है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूर वर्क इनवायरमेंट एक्सकावेशन की बात करें देखिए यहाँ पर पिट्स है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वर्क इनवायरमेंट गाड़ी जो वीकल चल रहा है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फिजिकल वर्क इनवायरमेंट देखिए यहाँ पे केमिकल रखा गया देखिए यहाँ पे वेपराइज हो रहा है वेपर फॉर्म में दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूर वर्क इन वायरमेंट ये देखिए ब्रिक्स यहाँ पर रखे हुए हैं दिस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वर्क इन मशीनरी का जो ऑपरेशन हो रहा है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वर्क इन मतलब क्या हो गया कि एवरीथिंग एवरीथिंग विच इज सराउंडिंग द वर्कर और द वर्कर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट थ्रू विच और बाई विच अ वर्कर इज सराउंडेड इज क्लासिफाइड एज वर्क इनवायरमेंट तो आप जब साइड पे जाइए तो जैसे ये वर्कर यहाँ पर खड़ा है आप यहां पर गए सेफ्टी ऑफिसर तो आपको इस पूरे एरिया को देखना होगा कि इस एरिया में जैसे ये वर्कर मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है तो ठीक है मैनुअल हैंडलिंग से जो उसको रिस्क है उसको तो आप कंट्रोल कीजिएगा लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि वर्क इन्वा में जैसे लाइटिंग टेम्परेचर दिस इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ वर्क इन्वायरमेंट तो आपको वर्क इन्वायरमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करना होता है ऑल राइट लेट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड

ड्यूटी पे वापस ना आने पाए। यार जो है तो अगर 48 घंटे तक वो काम पे वापस नहीं आ पाता है नॉर्मल ड्यूटी रिज्यूम नहीं कर पाता है उसको हम लोग लो लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कहेंगे इसको समझना जरूरी है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ड्यूटीज पे यहाँ फोकस किया गया देखिए यहां पर नॉर्मल ड्यूटीज है न? नॉर्मल ड्यूटीज का मतलब क्या हुआ मान लिया एक वर्कर है जो कि हेल्पर है और उसका काम क्या है मैनुअल हैंडलिंग करना है वो सामान ढोता है वो कहीं पर ठोकर लग के उसको वो गिरता है और उसका पैर टूट जाता है उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है और उसके पैर पे बैंडेज वगैरह लगा के प्लास्टर करा के उसको तुरंत क्या करते हैं वापस साइड पर लेकर आ जाते हैं अगले ही दिन और उसको कहते हैं कि बाबू अब तुम क्या करो चेयर लगा के बैठो और बस तुम अटेंडेंस वर्कर्स कर लो तो अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या इसको लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट माना जाएगा क्योंकि वो अगले दिन तो ड्यूटी पे वापस आ गया 48 घंटे तो वो ऑफ ड्यूटी रहा नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि वो पहले जो एक्सीडेंट से पहले जो काम कर रहा था वो तो काम नहीं कर रहा है ना कंडीशन ये है कि पहले वो जो काम कर रहा था अगर वो काम करने के लायक है इंजुरी उसको उतना नहीं हुआ है तब उसको हम लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट नहीं कहेंगे और अगर काम करने के लायक नहीं है जैसे वो मैनुअल हैंडलिंग कर रहा था अब जब तक उसका प्लास्टर खुलेगा नहीं वर्कर उसको डॉक्टर उसको फिट करार नहीं देगा तब तक वो अपनी ड्यूटी को रिज्यूम नहीं कर पाएगा तो ऐसा एक्सीडेंट के बाद वर्कर 48 घंटे के अंदर में अपनी नॉर्मल ड्यूटीज को रिज्यूम नहीं कर पाता है उसको लॉस टाइम एक्सीडेंट कहा जाता है अब आइए नेक्स्ट है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट याद रखिएगा ये हम लोग रिपोर्टेबल दो तरह का एक्सीडेंट रिपोर्टिंग होता है एक इंटरनल एजेंसीज को दूसरा एक्सटर्नल एजेंसीज को इंटरनल में आप एक्सीडेंट को किसको रिपोर्ट करते हैं क्लाइंट को करते हैं कंसल्टेंट को करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स को करते हैं उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है हम लोग बात कर रहे हैं आउटसाइड रिपोर्टिंग की मतलब गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट किया जाता है लेबर डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट किया जाता है उसका डेफिनेशन ये है तो डेफिनेशन क्या है एन एक्सीडेंट विच मस्ट बी रिपोर्टेड टू लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम ये देखिएगा यहां पर ये बहुत जरूरी है इसको समझना है स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम जैसे कि मैं HSC, जो इंग्लैंड का कानून है उसको मैं स्टडी कर रहा था तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि अलग अलग एक्सीडेंट को रिपोर्ट करने का टाइम अलग अलग रिकमेंड किया गया जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर कोई फेटल एक्सीडेंट है तो फेटल एक्सीडेंट को एम्प्लॉयर को सेम डे विद इन ट्वेंटी आवर्स आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है अगर वो लॉस टाइम एक्सीडेंट है कुछ लॉस टाइम एक्सीडेंट है जो एक हफ्ते के अंदर में आप रिपोर्ट कर सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और अगर वो वर्क रिलेटेड अपर अपरलिम डिसऑर्डर फॉर एग्जाम्पल आपके ऑक्यूपेशनल डिजीज है तो उसको एक सर्टेन गाइडलाइन होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको आप दस दिन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं तो कितने टाइम में रिपोर्ट करना है इसके लिए आपको कंट्री का जो लेजिस्लेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन उसको स्टडी करना होगा आमतौर से हम ये समझेंगे कि अगर फेटल एक्सीडेंट है वर्कर की मौत हुई है तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स हमको किसी भी हालत में उसको रिपोर्ट करना है और अगर सीरियस इंजुरी या एक्सीडेंट हुआ है तो विद इन अ वीक आप जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है अब कौन कौन से ऐसे एक्सीडेंट है जिनको रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहा जाता है तो पहला है डेंजरस ऑकरेंस

जो किस वजह से हुई है आपके काम की वजह से हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं निबोश वगैरह में इसको वर्क रिलेटेड इल हेल्थ इनहेल्थिट कहकर रिकमेंड किया जाता है एक्जाम्पल्स हैं एनआईएचएल डब्ल्यू आर यू एल डी सिलिकोसिस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और एच एस सबका डेफिनेशन नीचे है एनआईएचएल नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस ये किस वजह से होता है वर्कर जब लाउड नॉइज से एक्सपोज होते हैं लंबे समय तक तो उनको एनआईएचएल होता है जो वर्कर लाउड नॉइज में काम करते हैं उनको आपको टाइम टू टाइम ऑडियोमेट्रिक टेस्ट उनका कराना होता है डब्ल्यू आर यू एल डी वर्क रिलेटेड अपर लिम ये किसकी वजह से होता है गलत ढंग से मैनुअल हैंडलिंग करने की वजह से होता है वाइब्रेशन की वजह से होता है या फिर अगर आप कंप्यूटर डेस्क पे काम कर रहे हैं और वो प्रॉपर तरह से डिजाइन नहीं किया गया है लंबे समय तक काम कर रहे हैं इसकी वजह से डब्ल्यू आर यू एल डी हो सकता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये क्यों होता है अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर सिलिका डस्ट मतलब आपका जो मार्बल से डस्ट निकलता है टाइल से जो डस्ट निकलता है वहां पे अगर आप काम कर रहे हैं डस्ट से आप एक्सपोज हैं सीमेंट डस्ट से आप एक्सपोज हैं या फिर गैसेस से आप एक्सपोज हैं तो वहां पर आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एच एएस हैंड आर्म सिंड्रोम ये आपको किसकी वजह से होता है वाइब्रेशन की वजह से होता है अगर कोई वर्कर लंबे समय तक वाइब्रेशन से एक्सपोज होता है तो उसको एच एस हैंड आर्म सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं सो आई डू बिलीव कि इन सारे टर्म्स से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी एंड इंटरव्यू में या फिर नॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी में आप बेहतर ढंग से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो Take care. Bye-bye.